हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं सीएल सर, जीसीसी एनआईओएस क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ, चैप्टर 22, वो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि पिछले मैट्रिक्स चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा, डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ लिया होगा, तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी और अच्छे इंटरेस्ट भी लगेंगे, पढ़ने में मज़े लगेंगे। ठीक है, तो मैं आगे बताता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करता हूं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए बी है, सी डी है, यानी 2x2 है ना। 2x2 मतलब हो गया 2 रो 2 कॉलम। तो यदि इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे। यहां साइन क्या होती है, प्लस होती है, यहां क्या होती है, माइनस होती है। ये आ गया इस तरह से ए डी, आ गया ए डी, फिर क्या आ गया, यहाँ से इधर गया तो क्या आ गया, बी सी, और साइन क्या है, माइनस। ये साइन माइनस आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से और कुछ कंसेप्ट है। अब है 3x3 का, यानी 3 रो 3 कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो इसका निकालना हो डिटरमिनेंट इस तरह से, है ना। इसे लूंगा तो क्या होगा, ये पार्ट डिलीट होगा और ये पार्ट डिलीट हो जाएगा, क्या बच गया, ये बच गया। इसी तरह से सिमिलरली अब इसको लूंगा तो ये पार्ट लूंगा तो ये पार्ट डिलीट, ये पार्ट डिलीट तो ये बचेगा, ये बचेगा। इसी तरह से आगे निकालते चला जाऊंगा जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर होने के लिए क्या चाहिए, यदि रिजल्ट डिटरमिनेंट का 0 हो जाए तो क्या होगा, सिंगुलर। यदि 0 नहीं होती है तो क्या होती है, नॉन सिंगुलर। ए दिया हुआ मैट्रिक्स ए बी सी डी, इसका मैंने क्या किया है, ए डी और बी सी, रिजल्ट 0 तो क्या बोला, सिंगुलर। फिर अगेन लिया 2x2 कहीं ए बी सी डी, तो क्या लिया, डिटरमिनेंट लिया ए डी माइनस बी सी, यदि 0 नहीं आती आंसर तो क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो माइनर्स एंड को फैक्टर्स मैट्रिक्स पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फिर भी बता देता हूं। ए 3x3 मैट्रिक्स का है, तो ए आई जे जो है ये क्या है ना, दर्शाता है आई जो है आईथ रो को दर्शाता है और जे क्या है, कॉलम को दर्शाता है। अब माइनर्स को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एम आई जे, कॉलम को क्या लिखते हैं, को फैक्टर होगा, सॉरी। को फैक्टर, सी आई जे। ठीक है, को फैक्टर सी आई जे। अब है माइनर्स ए वन वन, कहने का मतलब इसकी बात हो रही है, ए वन वन तो क्या होगा, ये पार्ट डिलीट होगा और ए पार्ट डिलीट होगा, बच गया ये। अब इसकी सोल्व कर लूंगा इस तरह से, ए टू टू है ना, ए टू थ्री, ए टू थ्री, ए 3 2, ए 3 3। ठीक है, यहाँ ए 2 2 है, ए 2 3 है, ए 3 2, ए 3 3 है। अब इसका माइनर निकालते हैं, 1 1 तो क्या होती है, क्रॉस में कर दूंगा तो ए 2 2, ए 3 3, माइनस ए 3 2 और इंटू ए 2 3 हो गया। इसी तरह से एम 2 निकालना है तो इस तरह से क्रॉस कर दूंगा, इसी तरह से एम 2 3 निकालना तो क्रॉस कर दूंगा। और को फैक्टर में क्या होती है, इसका फार्मूला होती है माइनस वन और आई जे का चेक करना होता है। अब जैसे यहाँ क्या आई और जे 1 1 था, तो माइनस वन है 1 प्लस 1 तो क्या होता, माइनस वन, टू, इवन नंबर आ गया था, रिजल्ट क्या आ गया, प्लस में आएगा। यदि फिर क्या है, माइनस वन पावर में क्या है, 2 2, 2 प्लस 2 तो क्या हो गया, माइनस वन की पावर 4, ये भी वन नंबर आ गया तो प्लस में ही वन आएगा। और यहाँ 2 3 है, 2 प्लस 3,
यहाँ क्या हो गया माइनस वन की पावर फाइव, यहाँ क्या आ गया ओड नंबर, ओड नंबर आने से क्या हो जाएगी माइनस में, इसलिए साइन यहाँ माइनस लगा, ये दोनों में क्या हो गया प्लस हो गया। अब क्वेश्चन आ गया चेक योर प्रोग्रेस, चेक योर प्रोग्रेस 22.1 क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी डिटर्मिनेंट निकाल लिया है सॉल्यूशन। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 0625, अब डिटर्मिनेंट निकालनी है 0625 क्या हो जाएगा 0 × 5 − 2 × 6 तो 0 − 12 हो गया आंसर। इसी तरह से ये 2 × 2 यानी 2 रो 2 कॉलम की बात हुआ था, अब क्या है 3 रो 3 कॉलम की बात हो रही है। बी का सॉल्यूशन बी दिया हुआ 4 5 6, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 5 6 −1 0 1 − 1 0 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 ठीक है। इसका भी क्या निकालना है डिटर्मिनेंट निकालनी है, तो बी दिया हुआ है 4 5 6 − 1 0 1 2 1 2 अब यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगी, क्या लिया 4 को लिया, यहाँ मैंने लिया 4, तो ए पार्ट डिलीट होगा और ए पार्ट डिलीट होगा, तो जब ए पार्ट डिलीट ए पार्ट डिलीट क्या बच गया 0 1 1 2, अब साइन क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि साइन प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलती है, अब है 5, मैंने क्या लिया 5 को लिया, ए पार्ट डिलीट हो जाएगा और ए पार्ट डिलीट क्या हो जाएगा −1 1 − 1 1 2 2, क्योंकि ये पार्ट डिलीट था तो ये बच गया और ये बच गया, फिर है प्लस 6, अब इस पार्ट को हम डिलीट करता हूँ ए पार्ट डिलीट और ए पार्ट डिलीट, तो क्या हो गया ये कैंसिल, तो बचेगा −1 0 −1 0 2 1 4, यहाँ क्रॉस में करूँगा तो क्या हुआ 0 × 2 तो 0 − 1 − 5 करूँगा तो −2 − 2 +6 − 1 − 0 क्या हो गया −1 बचेगा −5 × −4 + 6 × −1 यहाँ आ गया −4 यहाँ आ गया −−+ −−+20 ± −6 हो गया ना −4 − −+20 − 6 अब यहाँ प्लस में था 24 तो 24 − 6 रिजल्ट आ गया 18 हो गया आंसर।
इसमें डिटर्मिनेंट निकालनी थी, बी मैट्रिक्स दिया हुआ था, बी डिटर्मिनेंट में कर दिया, फिर इस तरह से इस पार्ट को लिया, ए कैंसिल, ए कैंसिल, जो बचा लिखा, फिर इस पार्ट को कैंसिल होगा, ए पार्ट कैंसिल, माइनस वन टू, वन टू बच गया, ए पार्ट कैंसिल, माइनस वन जीरो टू वन, फिर क्या किया, क्रॉस कर दिया, मल्टीप्लाई, यहाँ साइन माइनस में होती है, सभी में माइनस आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, जोड़कर 24 में से 6 करूँगा तो 18 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट में है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करनी है। ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, मैंने क्या बताया था कि रिजल्ट डिटर्मिनेंट का जीरो होती है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर, और यदि डिटर्मिनेंट जो है जीरो नहीं आती है तो क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। चेक करते हैं, टू बाय टू का पहले दिया हुआ है मैट्रिक्स, ए दिया हुआ है 3 2, माइनस 9 माइनस 6, डिटर्मिनेंट निकालना है पहले 3 2, माइनस 9 माइनस 6, यहाँ क्या आ गया 3 6, 3 × 6 माइनस 9 × 2, यहाँ पर आ गया माइनस 18, और माइनस माइनस प्लस 18, तो प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, जीरो। जब जीरो होती तो क्या हो गया, ए मैट्रिक्स क्या हुआ, ए मैट्रिक्स क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज सिंगुलर। और यदि जीरो नहीं आती तो क्या होता, नॉन सिंगुलर। इसी तरह से 3 बाय 3 का आप निकाल सकते हैं, स्पेस नहीं है, ठीक है, इसे खुद कर लेंगे। फाइंड द माइनर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज, यहाँ भी निकालनी है क्या, माइनर्स निकालनी है सभी का। सॉल्यूशन ए, थ्री माइनस वन, सेवन फोर, डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है तो माइनर निकालना, तो डायरेक्ट निकाल देता हूं, क्या हो गया, एम वन वन, वन वन हो गया, एम वन टू, एम टू वन, एम टू टू। अब यहाँ क्या है, थ्री को लिया तो क्या हुआ, ए पार्ट डिलीट, ए पार्ट डिलीट, क्या बच गया, फोर, इसमें एम वन टू, ए पार्ट डिलीट, ए पार्ट डिलीट, क्या आ गया, सेवन। इसी तरह से सेवन लिया, ए पार्ट डिलीट और ए पार्ट डिलीट, माइनस वन, एम टू टू, ए पार्ट डिलीट और ए पार्ट डिलीट, तो क्या आ गया, थ्री हो गया आंसर। इसी तरह से बी पार्ट का सॉल्व कर सकते हैं, दिया हुआ है 0625, एम वन वन, एम वन टू, एम टू वन, एम टू टू, क्या हो जाएगा, ये जीरो जो है यहाँ पे लिया, ये जीरो वाला, ए पार्ट डिलीट हो गया और ए पार्ट डिलीट, क्या बचा, ये बचा 5, यहाँ क्या आ गया, 5। इसी तरह से एम वन टू, तो 6 को लिया तो ये पार्ट कैंसिल, तो क्या बच गया, 2, और 2 1 इसे लिया तो ये पार्ट डिलीट हो गया और ये पार्ट डिलीट, क्या आ गया, 6। इसी तरह से 2 2,
ये इसे लिया तो ये पार्ट डिलीट है, पार्ट डिलीट क्या आ गया, जीरो हो गया आंसर। कह रहा था फाइंड द माइनस, बस खाली माइनस निकालनी थी, माइनस निकल गया। नेक्स्ट, फाइंड द माइनस ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो, किसकी बात कर रहा, सिर्फ सेकेंड रो की बात कर रहा, यानी ये हो गया फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, ये हो गया आर वन आर टू आर थ्री। मुझे इसकी चर्चा करना है, आर टू की चर्चा करना है, आर टू से निकालनी है। आर टू क्या हो गया, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ये हो गया ए टू वन, तो एम टू वन, एम टू टू, एम टू थ्री, बस इसकी निकालना है। अब यहाँ क्या है, एम टू वन, तो ए पार्ट डिलीट और ए पार्ट डिलीट, तो क्या बच गया यहाँ पे, टू थ्री और माइनस थ्री वन। ए पार्ट डिलीट हो गया, ए पार्ट डिलीट हो गया, टू थ्री माइनस थ्री वन, ठीक है। इसी तरह से टू टू की बात कर रहे हैं, ए पार्ट डिलीट होगा, ए पार्ट डिलीट तो वन थ्री और माइनस टू वन। अब यहाँ पे एम टू थ्री है, टू थ्री ये कैंसिल होगा पूरा, ए पार्ट तो वन टू माइनस टू माइनस थ्री। अब यहां पे क्या करूंगा, क्रॉस टू वन जा टू माइनस थ्री इंटू थ्री, तो क्या हो गया रिजल्ट, टू माइनस माइनस प्लस नाइन, क्या आ गया इलेवन। इसी तरह से इसे करूंगा, वन वन जा वन, माइनस में रहने की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस सिक्स, क्या आ गया सेवन। इसी तरह से इसे करूंगा, तो माइनस में है तो माइनस थ्री इंटू वन, तो थ्री आ जाएगा, फिर माइनस 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 प्लस, टू टू जा फोर, क्या आ गया रिजल्ट, प्लस में वन, आंसर हो गया। बोल रहा था कि मुझे सेकेंड रो से बनाना है, बस इसलिए हो गया आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। यहां पे फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट थर्ड रो, यानी ये हो गया आपकी फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, ये हो गया आर वन आर टू आर थ्री। अब यहां से डिस्कस करना इस रो में सॉल्यूशन, यहां क्या हो गया लेना है आर थ्री, थर्ड रो की बात कर रहा हूं, क्या निकालनी है माइनर, तो हो गया एम थ्री की बात कर रहा, थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री। अब यहां चेक कर रहा हूं, थ्री वन है तो थ्री वन में ये पूरा कैंसिल होगा, पार्ट ए कैंसिल, तो क्या हो गया ये कैंसिल, तो माइनस वन और थ्री फोर वन। इसी तरह से एम थ्री टू, अब इस पार्ट को कैंसिल करूंगा ये पूरा, तो क्या बच जाएगा, आइए पार्ट कैंसिल, टू थ्री और माइनस टू थ्री, चेक कर लेता हूं, ए पार्ट कैंसिल, ठीक है ए पार्ट कैंसिल, क्या हो गया ये थ्री टू की बात कर रहा हूं, तो थ्री टू में हो गया ये, हो गया थ्री वन थ्री टू, तो ए पार्ट कैंसिल होगा पूरा और ए पार्ट कैंसिल होगा, तो क्या आ गया टू थ्री और फाइव वन। इसी तरह से थ्री थ्री है, तो थ्री थ्री पूरा कैंसिल होगा और ए कैंसिल होगा, तो क्या आ गया टू माइनस वन फाइव फोर,
फिर से एक बार चेक कर लेता हूं, मुझे निकालना है थ्री की रो थर्ड से बात करनी है, तो हो गया एम थ्री वन, एम थ्री वन ए कैंसिल, ए कैंसिल, माइनस वन थ्री फोर वन, ठीक है। अब लेना है थ्री टू, तो थ्री टू में लेना है, तो इसकी बात कर रहा हूँ, तो ए पूरा कैंसिल पार्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टू थ्री फाइव वन, ठीक है। अब है थ्री थ्री, ये पूरा कैंसिल होगा, ए कैंसिल, तो टू वन और फाइव फोर, टू वन और फाइव फोर, ठीक है। अब इसे क्रॉस कर दूंगा, क्या आ गया माइनस वन और माइनस ट्वेल्व, आ गया माइनस थर्टीन। इसी तरह से इसे करूंगा, तो टू वन जब टू, माइनस पंद्रह हो गया, पाँच से पंद्रह हो गया, यहाँ क्या आ गया माइनस तेरह। फिर है इसे करूंगा आठ, और ऐसे करूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस साइन होती है, माइनस यहाँ दिया हुआ, तो फाइव आ गया, ये प्लस में तेरह हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द को फैक्टर्स, अब क्या निकालनी है, को फैक्टर्स, माइनर्स हो गया, अब को फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो को फैक्टर का अब जो मैंने बताया था क्या होता है फॉर्मूला, सी आई जे इक्वल माइनस वन आई प्लस जे और एम आई जे, है ना। यदि सपोज यहाँ वन वन की बात किया, सी वन वन, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वन वन प्लस वन और एम वन वन माइनर। अब यहाँ क्या आ गया वन वन टू, तो टू आ गया क्या इवन नंबर, तो इवन नंबर में आते तो क्या होती है प्लस में आ जाएगा, नहीं एम वन वन का जो रिजल्ट होगा वो आंसर हो जाएगा, नहीं प्लस में होगी। इसी तरह से सबको बनाना है, चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन, फाइंड द को फैक्टर निकालने हैं ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये नहीं बोल रहा कि आप रो से निकालिए, वन से, रो टू, रो थ्री, कॉलम, कुछ नहीं बोल रहा, सीधे निकालना है को फैक्टर, तो सभी का निकाल देना है। दिया हुआ है थ्री माइनस टू नाइन सेवन, को फैक्टर है वन वन, तो क्या आ गया माइनस वन पावर वन प्लस वन, और माइनर वन वन, सी वन टू माइनस वन वन प्लस टू एम वन टू, इसी तरह से सी टू वन माइनस वन टू प्लस वन एम टू वन, सी टू टू माइनस वन टू प्लस टू एम टू टू। अब देखना है कि यहाँ पर जो है एम वन वन है, तो इसे लिया और इसे लिया, तो क्या हो गया, ये बच गया सेवन, तो यहाँ क्या आ गया, ये आ गया आपकी प्लस में, है ना, टू आ गया, तानी आ गया वो इवन नंबर, तो इवन नंबर में क्या होती है प्लस हो गया, तो एम वन वन आ गया। इसी तरह से ये ओड नंबर आ गया, तो ओड नंबर में क्या आ गया माइनस एम वन टू, यहाँ भी आ गया ओड नंबर, तो माइनस एम टू वन, यहाँ आ गया इवन नंबर, तो क्या आ गया प्लस में एम टू टू। अब यहाँ देखना है कि माइनर में इसे लिया, क्या बच गया सेवन आ गया आंसर, इसमें साइन माइनस है क्योंकि माइनस बोल रखा है, अब यहाँ क्या हो गया माइनस में, तो वन टू है ना, ये कैंसिल ए कैंसिल, तो आ गया नाइन, इसमें आ गया टू वन, ए कैंसिल ए कैंसिल, तो माइनस टू, माइनस टू आ गया, माइनस पहले से था तो माइनस टू, माइनस माइनस प्लस में टू आ गया, यहाँ आ गया टू टू, इसे लिया और इसे, तो थ्री आ गया, हो गया आंसर।
इसी तरह से बी वाला आप खुद कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। पहले क्या करना है, फार्मूला होती थी सी आई जे इक्वल माइनस वन आई प्लस जे, चेक करना था कि ओड नंबर आती है कि इवन नंबर आती है। ओड आएगी तो माइनस होगा और इवन आएगा तो प्लस होगा, बस यही ध्यान देना इसमें। नेक्स्ट, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो। अब यहां क्या बोल रहा कि सेकेंड रो से निकालनी है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 0 1 -1 3 0 4 1 -2। यहाँ क्या बोल रहा है, सेकेंड रो, यानी सेकेंड रो कौन सा हो गया, ए वाली सेकेंड रो हो गया। इससे निकालनी है, क्या निकालना है, कोफैक्टर्स। आ गया सी 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3। मैंने बताया था फार्मूला क्या होती है, माइनस वन पावर में आई प्लस जे कर देना होगा, माइनस वन पावर में क्या हो गया आई प्लस जे, 2 प्लस 2 -1 2 प्लस 3। और यहाँ क्या आ गया, एम 2 1 एम 2 2 एम 2 3। तो यहाँ आ गया ओड नंबर, तो माइनस में आ जाएगा, माइनस एम 2 1। यहाँ आ गया इवन नंबर, तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ आ गया ओड नंबर, तो माइनस में आ जाएगा। साइन माइनस है। अब 2 1 की बात कर रहा है, तो क्या होगा, ये 2 हो गया तो ए पूरा कैंसिल होगा और ए कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बच गया, 0 1 1 -2। एम 2 2 है ना, 2 2, तो क्या होगा, ए पार्ट कैंसिल होगा और ए पार्ट कैंसिल होगा, तो 2 1 4 -2। ठीक है, क्योंकि 2 2 की बात हो रहा है सेकेंड रो से, तो ए पूरा कैंसिल हो गया और ए कैंसिल हो गया, तो 2 1 4 2। ठीक है, और यहाँ बात हो रही है माइनस है, क्योंकि माइनस आ चुका है, यहाँ 2 3 है, यह है 2 3, तो 2 3 ए पार्ट कैंसिल पूरा और ए पार्ट कैंसिल, 2 0 4 1 2 0 4 1। अब यहाँ सोल्व करूँगा तो क्या हो जाएगी, ए माइनस में 0 × 2, तो क्या होगा 0 -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। इसी तरह से इसे सोल्व कर लूँगा तो -4 और -4 क्या आ गया, -8। यहाँ करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 -0, और आगे माइनस था तो माइनस लगाना पड़ेगा, क्या आ गया 2 -0, ये रिजल्ट क्या आ गया -2 हो गया आंसर। क्योंकि यहां बोल रहा था कि फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो, तो सेकेंड रो ए वाली होती है सेकेंड रो से, तो सेकेंड रो में क्या हो गया, यहां पर ए -1 था तो ए पार्ट कैंसिल हो गया और ए पार्ट कैंसिल, तो 0 1 1 2 बच गया। ठीक है, 0 1 1 2 हो गया। इसी तरह से इस पार्ट को कैंसिल किया इस पार्ट को, तो 2 1 4 2। ठीक है, इस पार्ट को कैंसिल किया ऐसे किया तो 2 0 है ना, 2 0 और 4 1। ठीक है, क्योंकि सेकेंड रो की बात हो रहा है।
नेक्स्ट फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो। इसी तरह से आप फर्स्ट रो की बात कर रहा था, फर्स्ट रो से आप निकाल लेंगे। यहां पर क्या हो गया, ये फर्स्ट रो आर वन, इसके अकॉर्डिंग टू निकालनी है आपको सॉल्यूशन। कोफैक्टर क्या रहा, वन वन, वन टू, वन थ्री, माइनस वन पावर टू, माइनस वन पावर थ्री, माइनस वन और पावर फोर। यहाँ क्या आ गया, एम वन वन, एम वन टू, एम वन थ्री। यहाँ क्या आ गया रिजल्ट, प्लस में एम माइनर वन वन हो जाएगा, यहाँ आ गया माइनस में क्योंकि ओड नंबर आ गया, और यहाँ प्लस में आ गया इवन नंबर है। तो इसी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या हो गया, एम वन वन फर्स्ट रो की बात कर रहा, ए पार्ट कैंसिल, ए पार्ट कैंसिल, फोर टू और माइनस थ्री जीरो। इसी तरह से ए पार्ट कैंसिल, ए पार्ट कैंसिल, तो क्या गया, सिक्स टू, सिक्स टू और फाइव जीरो। अब यहां एम वन थ्री, ए पार्ट कैंसिल, ए पार्ट, तो सिक्स फोर माइनस फाइव माइनस थ्री। फिर एक बार चेक कर लेता हूं, है ना, एम वन वन की बात हो रहा, इस पार्ट कैंसिल, तो फोर टू और थ्री, ठीक है, एम वन टू, तो ये पार्ट कैंसिल, सिक्स टू और फाइव, सही है, ये हो गया एम वन थ्री, तो ये पार्ट कैंसिल, ए पार्ट कैंसिल, सिक्स फोर माइनस फाइव माइनस फाइव, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करना है, यहाँ साइन क्या था, माइनस, यहाँ प्लस था, तो यहाँ माइनस, तो माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, यहाँ प्लस था, प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस कर देना इस तरह से, तो आ गया जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो जीरो, और माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस हो जाएगी, थ्री टू जा सिक्स, तो रिजल्ट क्या आ गया, माइनस सिक्स। यहाँ माइनस में प्लस दिया हुआ था, ऐसे करूँगा तो हो जाएगा जीरो माइनस माइनस प्लस, फिर क्या हो जाएगी, साइन माइनस, क्योंकि सिंबल माइनस यहाँ होती है, टेन, और माइनस माइनस प्लस टेन। इसी तरह से इसे निकाल लूँगा, तो सिक्स थ्री जा एटीन माइनस में, और माइनस माइनस प्लस, फाइव फोर जा ट्वेंटी, रिजल्ट क्या आ गया, टू हो गया आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है, समझ लिए बच्चों, देख लो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए दिया हुआ मैट्रिक्स इतना, बी इतना दिया, तो वेरीफाई डैट ए डिटर्मिनेंट दिया हुआ, ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट एंड बी डिटर्मिनेंट इक्वल दिया हुआ था। सोल्व करता हूँ, सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, ए, ए निकालनी है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है टू थ्री फोर फाइव टू थ्री फोर फाइव, तो क्या निकालनी है, डिटर्मिनेंट, टू थ्री फोर फाइव, क्या हो जाएगा, टू इंटू फाइव माइनस फोर इंटू थ्री, टेन माइनस ट्वेल्व आ गया माइनस टू, ए निकल गया इधर साइड का। अब इधर का है ए ट्रांसपोज निकाल लिया है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, टू थ्री फोर फाइव। अब इसका क्या निकाल देना है, डिटर्मिनेंट,
फोर थ्री फाइव यहाँ क्या हो गया, टू फाइव जा टेन माइनस थ्री फोर जा ट्वेल्व, रिजल्ट क्या आ गया माइनस टू। तो जब ए डिटरमिनेंट निकाला तो भी माइनस टू आया, ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट निकाला तो भी माइनस टू आया, यानी एल एच एस आर एच एस इक्वल हो गया, इसलिए क्या हो गया ए डिटरमिनेंट इक्वल ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट हो गया प्रूव्ड। इसी तरह से आप बी को भी निकाल लेंगे सिमिलरली, ठीक है। अब बी पार्ट को मैं बताता हूं, बी क्वेश्चन क्या था, ए बी पहले निकालनी है, ए बी कितना देगा टू थ्री फोर फाइव, टू थ्री फोर फाइव टू थ्री फोर फाइव हो गया माइनस टू थ्री सेवन फोर, माइनस टू थ्री सेवन फोर, माइनस टू थ्री सेवन फोर, ठीक है। अब इसे सोल्व करने के लिए ये रो लेना तो एक कॉलम लेनी है, तो क्या हो गया टू इंटू माइनस टू, टू इंटू माइनस टू, ये ऐसे लेनी है तो ये ऐसे लेनी है, फिर क्या है प्लस थ्री इंटू सेवन, ये लेना टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फोर, फिर सेकेंड रो की बात कर रहा हूँ, फोर इंटू माइनस टू, फोर इंटू माइनस टू प्लस फाइव इंटू सेवन, फोर इंटू थ्री प्लस फाइव इंटू फोर, आ गया माइनस फोर प्लस इक्कीस आ गया, फिर है सिक्स प्लस ट्वेल्व, माइनस एट प्लस सात बजे पैंतीस हो गया, बारह प्लस बीस, ये हो गया सत्रह चार इक्कीस, सत्रह आ गया, और ये आ गया पंद्रह साठ गया तो सात यानी सत्ताईस, ये आ गया बारह छः अट्ठारह, ये आ गया बीस बारह बत्तीस, अब क्या निकालनी थी डिटरमिनेंट निकालनी थी इसका, सत्रह अठारह सत्ताईस बत्तीस, सत्रह गुना बत्तीस माइनस सत्ताईस गुना अठारह, बत्तीस सत्रह सात दुना चौदह के चार हासिल एक सत्याक्कीस एक बाईस, दो सत्य चौदह के चार हासिल एक एक बाईस, बत्तीस से कम बत्तीस, फाइव फोर फोर,
आई फोर फोर माइनस 27 और 18, 856 के 6, 856 के 6 बाकी 5, 8 2 16 5 21, 6 7 1 8 2 2 4 486 माइनस कर लूँगा 14 से 6 जाएगा तो 8, यहाँ बचेगा 13 60 गया तो 5 यानी 58। एक क्या निकल गया, ए बी डिटर्मिनेंट 58 निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए तो निकल गया, ए बी, ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट निकालना है। ए दिया हुआ 2 3 4 5, ए दिया हुआ है 2 3 4 5, टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने इसकी, टू थ्री फोर फाइव आ गया, 5 2 10 माइनस 4 3 12 क्या गया, माइनस 2। अब है बी, बी क्या दिया हुआ है, माइनस 2 3 7 4, माइनस 2 3 7 4, इसका बी माइनस 2 3 7 4 आ गया, माइनस 8 माइनस 21 29, माइनस 2 3 7 4। ठीक था, और अब इसकी मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 29, क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 29, 2 जा 58। यहाँ भी 58 आया, तब हमें 58 आ गया, और क्या है फाइंड करना है, बी ए, बी ए पहले बी लिख देना है, क्या है, बी था माइनस 2 3 7 4, तो इतनी निकाल चुका हूँ, है ना, बी कितना निकल चुका है, माइनस 29, बी निकल चुका है माइनस 29, और ए निकल चुका है, क्या क्वेश्चन था, जो बी ए निकालनी है, ठीक है, तब निकालना डिटर्मिनेंट, ऐसे बी ए, ऐसे नहीं, बी ए क्या है डिजिट, बी का था माइनस 2 3 7 4, माइनस 2 3 7 4, ए का था 2 3 4 5,
2, 3, 4, 5। माइनस टू मल्टीप्लाई टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई फोर। इसे रो में लिया, इसे कॉलम में लिया, फिर रो में लूँगा फिर कॉलम। माइनस टू मल्टीप्लाई थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई फाइव। इसी तरह से सेवन इंटू टू प्लस फोर इंटू फोर। सेवन इंटू थ्री प्लस फोर इंटू फाइव। माइनस फोर प्लस बारह हो गया, आ गया चौदह प्लस सोलह। माइनस सिक्स प्लस पंद्रह इक्कीस प्लस बीस आ गया। बारह में से चार गया तो आठ आ गया यहाँ पे, पंद्रह में से छः हो गया तो नौ हो गया, और ये आ गया छः सौ तीस, ये आ गया इकतालीस। अब क्या निकालनी है? डिटरमिनेंट। अब इसकी निकाल देना है। डिटरमिनेंट क्या है? एट नाइन थर्टी फोर्टी वन। एट इंटू फोर्टी वन माइनस नाइन इंटू थर्टी, आठ आ गया, आठ सौ बत्तीस, नौतिया सत्ताईस। माइनस करूँगा तो आठ आ गया, एक हासिल लिया तो बारह में से सात गया तो पाँच आ गया, यानी फिफ्टी एट आ गया। रिजल्ट क्या देखा? ए भी निकाला तो 58, ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट निकाला तो भी 58, और बी ए डिटरमिनेंट निकाला तो भी 58 आ गया, सभी का सेम आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन था कि ए बी डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट फिर हो गया इक्वल बी ए डिटरमिनेंट, सबका आ गया 58। इसलिए क्या हो गया? ए बी डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट इनटू बी डिटरमिनेंट इक्वल बी ए डिटरमिनेंट हो गया प्रूव्ड। ठीक है, और मैं अब यहीं समाप्त करता हूँ बच्चों, फिर नेक्स्ट मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में।